हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? मैं मुकेश, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मेरे चैनल डीएनए ऑफ मैथ्स में। तो फ्रेंड्स, आपको पता है कि डीएनए ऑफ मैथ्स में प्रॉपर मैथ और रीजनिंग कंप्लीट सीक्वेंस से पढ़ाया जा रहा है। हमारा परसेंटेज का टॉपिक, सिंप्लीफिकेशन का टॉपिक, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हम इसमें पढ़ चुके हैं प्रॉपर। मंडे टू फ्राइडे आपको पता है कि डेली शेड्यूल में क्लासेस डलती हैं 4 to 5 PM, और सैटरडे को हमारी एक ट्रिकी क्लास रहती है, चाहे रीजनिंग की हो या मैथ की हो। तो आज हमारा टॉपिक आप देख रहे हो, बहुत ही बेहतरीन टॉपिक, आपको टाइटल दिख रहा है प्रॉफिट एंड लॉस। तो अभी प्रॉफिट एंड लॉस का फ्रेंड्स मैं आपको क्या इंट्रोडक्शन, भाई किस बेस पर हमने प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चनों को सोल्व करना है थोड़ा सा, क्योंकि नेचुरल सी बात है चाहे कोई भी ट्रिक हो कंसेप्ट के ऊपर ही बनी होती है। तो एक बार हम इसका थोड़ा कंसेप्ट पढ़ते हैं, इसका इंट्रोडक्शन क्या होता है। देखो फ्रेंड्स, एक बार प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में, तो प्रॉफिट एंड लॉस में सबसे पहली टर्म क्या आती है फ्रेंड्स, सीपी, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको आप सभी आपको पता है कि हम इसको क्या बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस। क्या बोलते हैं? कॉस्ट प्राइस। और हिंदी में इस चीज को क्या बोलते हैं? क्रय मूल्य। हिंदी में इस चीज को क्या बोलते हैं? क्रय मूल्य, यानी कि खरीदना। एक्चुअल में कॉस्ट प्राइस क्या होता है फ्रेंड्स? कॉस्ट प्राइस यानी कि जिस रेट पर कोई वस्तु हमें अपने घर पर पड़ती है, वो हमारा क्या होता है? कॉस्ट प्राइस होता है। अब आप दूसरी टर्म इसमें हमारे पास क्या होगी? एसपी, जिसको हम क्या बोलते हैं? सेलिंग प्राइस। जिसको हम क्या बोलते हैं? सेलिंग प्राइस, यानी कि विक्रय मूल्य। एक बार इंट्रोडक्शन जानना बहुत जरूरी है। आपको पता है कि हाँ, कोई भी फॉर्मूला यूज नहीं करवाया जा रहा, क्योंकि कंपटीशन का मैथ है। लेकिन चाहे कोई भी अप्रोच हो, कंसेप्ट तो जो अप्रोच है कंसेप्ट के ऊपर ही बनती है, इसलिए जानना बहुत जरूरी होता है। और मैं ये मान के चलता हूँ कि अभी जो स्टूडेंट हैं भी, हाँ, जिनको प्रॉफिट एंड लॉस की कहानी ही नहीं पता, अभी उनको भी एटलीस्ट सारी बात पता चल जाए। तीसरा हमारे पास इसमें मेन फंक्शन क्या है? एमपी, यानी कि मार्केट प्राइस, या एमआरपी भी बोलते हैं, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? अंकित मूल्य। अंकित मूल्य। अब आप ये देखो, इनमें तीनों में आपस में क्या रिलेशन है। अब आप मुझे एक बात बताओ फ्रेंड्स, ये हमने क्या लिख दिया? कॉस्ट प्राइस, सही है। ये क्या लिख दिया? सेलिंग प्राइस। क्लियर है? आप ये बताओ, अगर कॉस्ट प्राइस में मैं प्रॉफिट को ऐड कर दूं, कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट ऐड कर दूं, क्या हो जाएगा? सेलिंग प्राइस। सही है कि नहीं? ये दोनों तरफ से बात, अगर सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट निकाल दूं तो क्या हो जाएगा? कॉस्ट प्राइस। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? लेकिन आप बोलोगे कि लॉस भी हो सकता है, अगर कॉस्ट प्राइस में लॉस निकाल दें, कॉस्ट प्राइस में से क्या निकाल दें? लॉस, तो भी क्या हो जाएगा? सेलिंग प्राइस। और इसका उल्टा, सेलिंग प्राइस में लॉस ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा? कॉस्ट प्राइस। अरे सही है कि नहीं है? बात आ रही है समझ में? बहुत आराम से समझना है। इंट्रोडक्शन अगर समझ में आ गई तो मजा आ जाएगा, मतलब पूरे के पूरे ही हम इस टॉपिक में इन्हीं बातों के ऊपर काम करेंगे, एक बात भी इधर से उधर नहीं होगी। अब आप ये बताओ, अगला पर्सन कौन था? एमपी, एमआरपी भी बोलते हैं जिसको, मार्केट प्राइस। अब मुझे एक बात बताओ, एमआरपी यानी कि जो लेबल प्राइस भी बोलते हैं, छपा हुआ मूल्य भी बोलते हैं, अगर मैं सेलिंग प्राइस में फ्रेंड डिस्काउंट ऐड कर दूं, सेलिंग प्राइस में डिस्काउंट, डिस्काउंट ये होता है अपना डिस्काउंट। डिस्काउंट को क्या बोलते हैं? बट्टा भी बोलते हैं और छूट भी बोलते हैं हिंदी में। क्लियर है कि नहीं है? अगर सेलिंग प्राइस में मैं डिस्काउंट ऐड कर दूं तो हमारा एमआरपी हो जाता है दोनों तरफ से। अगर एमआरपी में से डिस्काउंट निकाल दें तो भी सेलिंग प्राइस हो जाता है। अरे सही है कि नहीं है? ऐसे ही अब आप मुझे एक बात बताओ, ये बातें आपको समझ में आ चुकी हैं अभी? सीपी और आपस में सारे क्या है? इंटरकनेक्टेड है। क्लियर है कि नहीं है? अब यहां से मैं एक बात लिख दूं कि अगर मैं एमआरपी में से, आपको बात पता ही चल गई, एमआरपी में से अगर हम सेलिंग प्राइस को निकाल दें फ्रेंड्स, तो क्या डिस्काउंट नहीं हो जाएगा? क्लियर है? लेकिन ये जो फ्रेंड डिस्काउंट परसेंट है, डिस्काउंट परसेंट हमेशा किसके ऊपर निकाला जाता है? एमआरपी के ऊपर। तो आप बोलोगे डिस्काउंट बटे में एमआरपी, और इंटू में 100% बनाने के लिए इंटू में 100 लगा देते हैं कि नहीं लगा देते हैं? क्लियर है? अरे बोलो सही है कि नहीं है? एक बार इसको नोट करो, बढ़ते हैं आगे।
फ्रेंड देखो, ये आपने होप आप सभी को बात आ रही होगी समझ में, छोटी सी बात बताई है। अब इसी में आगे चलते हैं, अभी क्या क्या फंक्शन हमारे पास इंट्रोडक्शन में रहते हैं। मुझे एक बात बताओ जल्दी, क्या ये जो अपने पास, अगर मैं इसमें एक टर्म क्या आती है अपने पास प्रॉफिट, तो आप ही बताओ फ्रेंड प्रॉफिट क्या होता है। तो आप बोलोगे कि जब सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा उसमें से हम कॉस्ट प्राइस नहीं यानी कि सीपी को निकाल देंगे। इट मींस अगर आपने कोई चीज 100 रुपए की खरीदी है और 130 रुपए में बेच दी, बेचना क्या होता है सेलिंग प्राइस, तो नेचुरल सी बात है हमें 30 रुपए का क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा, सही है। ऐसे ही अगर मैं लॉस बोलूं तो आप बोलोगे अगर कॉस्ट प्राइस ज्यादा हो और सेलिंग प्राइस कम हो तो हमें क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, लॉस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्लियर है ये बात। अब आप ये बताओ ये जो प्रॉफिट है या लॉस है, प्रॉफिट या लॉस परसेंट, प्रॉफिट हो परसेंट हो या लॉस परसेंट हो, प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट हमेशा किस पे कैलकुलेट होता है, हमेशा याद रखना जब भी क्वेश्चन में प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट होगा तो किस पे किसके ऊपर होता है, सीपी के ऊपर होता है। तो आप बोलोगे प्रॉफिट बटे में सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस और इनटू में 100, प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट हमेशा किसके ऊपर कैलकुलेट होगा, सीपी के ऊपर। अगर लॉस परसेंट तो लॉस बटे में सीपी और इनटू में 100, तो ये होगा अपना लॉस परसेंट, क्लियर है कि नहीं है। अब आप मुझे एक बात बताओ, प्रॉफिट या लॉस की कहानी समझ में आ गई, सही है कि नहीं है। ऐसे ही अगर मैं आपको ये बोलूं फ्रेंड्स, ये अपने पास, चलो एक बार इसको नोट करो, इसको रफ करके फिर मैं आगे लिखता हूं, ये तो आपको सभी को बात पता ही होगी, एक बार नोट कर लो जल्दी से। बढ़ते हैं आगे, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो हमारा बहुत जगह यूज होगा और ये ध्यान से समझना, ये अपने पास क्या है, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस यानी कि जिसको हम डिनोट किससे करते हैं, एसपी के साथ। अब मैं आपको ये पूछ रहा हूं कि जो सेलिंग प्राइस है कितने टाइप से निकाला जाता है, सेलिंग प्राइस कितने टाइप से निकाला जाता है, तो ध्यान रखना फ्रेंड्स, सेलिंग जो प्राइस है दो टाइप से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, एक तो सीपी के ऊपर और एक एमआरपी के ऊपर। अब आप देखो क्या है, अब अगर मैं सीपी में प्रॉफिट परसेंट ऐड कर दूं, अगर मैं सीपी में प्रॉफिट परसेंट क्या कर दूं, ऐड कर दूं, सीपी में अगर हम प्रॉफिट परसेंट क्या कर दें, ऐड कर दें, तो भी हमारा सेलिंग प्राइस हो जाता है। और अगर एमआरपी में से हम अपना डिस्काउंट निकाल दें, एमआरपी में से डिस्काउंट निकाल दें, तो भी अपने पास क्या हो जाता है फ्रेंड्स, सेलिंग प्राइस हो जाता है। अरे बोलो सही है कि नहीं है, क्लियर है ये बात बच्चों, बात आ रही है समझ में। ये अपने पास ये भी सेलिंग प्राइस और ये भी सेलिंग प्राइस। तो आप मुझे एक बार बताओ, इस 100 के साथ ये 100 उड़ा दे, सही है। यहां से एक रेशो बना दिया मैंने सीपी बटे में एमआरपी। तो आप ही बताओ क्या ये 100% माइनस में डिस्काउंट परसेंट अपॉन ये 100% प्लस में प्रॉफिट परसेंट, यानी कि सीपी और एमआरपी का रेशो फ्रेंड्स हमने क्या बना लिया, सीपी क्या होगा 100% माइनस डिस्काउंट परसेंट और एमआरपी क्या होगा 100% प्लस प्रॉफिट परसेंट। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एक बार इसको नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं। देखो फ्रेंड्स, अब आप एक बात बताओ, कॉस्ट प्राइस अभी मैंने क्या बोला था, क्रय मूल्य, अगर या
किसी चीज का जो हमारे पास जो कॉस्ट पड़ती है भी, हाँ हम हमारे उसके ऊपर कॉस्ट कितनी पड़ी है उस चीज को बनाने में, क्लियर है। तो अगर मान लो मैं कॉस्ट प्राइस आपको फॉर एग्जांपल 100 रुपये दे दूं, भी कोई चीज का कॉस्ट प्राइस कितना है 100 रुपये, और सेलिंग प्राइस कर दिया आपने 125 कर दिया, सही है, सेलिंग प्राइस क्या कर दिया 125, और क्वेश्चन में भी 100 रुपये की चीज खरीदी और 125 रुपये में बेच दी। क्वेश्चन में पूछा प्रॉफिट परसेंट बताओ कितना होगा, तो आप ये बताओ, मैंने अभी देखो छोटी छोटी बातें बता रहा हूं मैं आपको, फिर बहुत जब क्वेश्चन शुरू होंगे फिर तो आपको पता ही है कि क्वेश्चन अपने अच्छे शुरू दिन से ही हम प्रैक्टिकली क्वेश्चन करते हैं जो एग्जाम में आए हुए होते हैं। अभी मैं सिर्फ इनकी इंट्रोडक्शन समझा रहा हूं, तो आप बोलोगे कि प्रॉफिट कितना हो गया, आप बोलोगे प्रॉफिट कितना हो गया 25 रुपये, और क्वेश्चन में ये पूछा कि प्रॉफिट परसेंट, तो आपको पता है प्रॉफिट या लॉस हमेशा 25 रुपये का प्रॉफिट हुआ किसके ऊपर, एमआरपी के ऊपर और गुणा 100, या आप ये भी कह सकते हो 100 के ऊपर कोई भी वैल्यू उतने परसेंटेज के बराबर होती है, तो 25% का प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ, क्लियर है। अब मुझे एक बात बताओ कि वो ऐसे भी बोल सकता है भी अगर आपने आपने सीपी से एमआरपी को, सीपी से एमआरपी को 40% बढ़ा दिया, सीपी से एमआरपी को 40% बढ़ा दिया, तो जब सीपी से एमआरपी को हम 40% बढ़ाएंगे, क्या एमआरपी 140 नहीं हो जाएगा, सही है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर सेम यही टर्म है, सीपी से एमआरपी अगर हमारे पास हमने 40% बढ़ा दिया, अगर एमआरपी के साथ अगर हम इस एसपी को देखें, और आपको पता है कि एमआरपी में से अगर डिस्काउंट माइनस कर दें एमआरपी में से, या आपको पता है एमआरपी माइनस सेलिंग प्राइस डिस्काउंट होता है, क्लियर है। तो ये बताओ फ्रेंड्स, तो डिस्काउंट कितना हो गया, आप बोलोगे 15 रुपये डिस्काउंट हो गया, अरे सही है कि नहीं है। और हमेशा ये जो डिस्काउंट परसेंट है फ्रेंड, ये डिस्काउंट परसेंट हमेशा किसके ऊपर निकाली जाती है, 15 रुपये का डिस्काउंट दिया किसके ऊपर, 140 के ऊपर गुणा 100, इतने रुपए डिस्काउंट परसेंट हो जाएगा नहीं हो जाएगा, सारे समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। तो ये बताओ, इसके साथ ये कैंसिल, और ये 2 5 और 2 7, तो 15 5 75 75/7%, जिस भी रूप में आगे लिखा हो, तो ये डिस्काउंट परसेंट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्लियर है। एक बार इसको भी नोट करो, क्योंकि यहां सिर्फ मैंने सिर्फ ये दो बातें बताई हैं कि डिस्काउंट परसेंट हमेशा एमआरपी पे, प्रॉफिट या लॉस हमेशा किसके ऊपर होता है, कॉस्ट प्राइस पे। देखो फिर बढ़ते हैं आगे, देखो फ्रेंड्स, क्योंकि पूरा का पूरा कंसेप्ट ही हमारा परसेंटेज के ऊपर बेस्ड है, तो क्या मैं जल्दी से, आप ये बताओ, रिवीजन हो जाएगी 1/2, आपको पता है क्या 50% नहीं होता, 1/3 कितना होता है, आप बोलो जल्दी से 33:1/3% नहीं होता, 1/4 क्या 25% नहीं होता, बोलो 1/5 का 20% नहीं होता, 1/6 क्या 16:2/3% नहीं होता, ऐसे याद होना चाहिए, 1/7 क्या 14:2/7% नहीं होता, 1/8 क्या 12:1/2% या 12.5% नहीं होता। और अगर 1/8 ये है फ्रेंड्स, तो आप ये बताओ, अगर मैं इसका 3 गुणा कर दूं तो 3 गुणा इसका क्या 37:1/2%, यानी कि, और इसकी फ्रैक्शन क्या 3/8 नहीं हो जाएगी, आ रही है बात समझ में। अब एक बात बताओ, अगर मैं इसका आगे 1/9 है, 1/9 11:1/9% नहीं होता, सही है, 1/10 क्या 10% नहीं होता, 1/11 क्या 9:1/11% नहीं होता, आ रही है बात समझ में सभी को। ऐसे अगर मैं बोल लूँ 1/12 क्या 8:1/3% नहीं होगा, 1/13 क्या 7:9/13% नहीं होगा, 1/14 7:1/7% नहीं होगा, सही है, 1/15 क्या 1/15
तो आप ये बताओ 6:2/3% सही है। देखो कैसे बढ़ता है, अगर आप ये बताओ 1/15 अगर और इंटू में 100, ये होगा 5 × 3 = 15, 5 × 2 = 10, 20/3 ऐसे बढ़ता है। 3 × 6 = 18 और 2 = 20, 20/100, 20/3% हो गया कि नहीं हो गया। ऐसे ही फ्रेंड्स देखो, क्या 1/16 6:1/4% नहीं होगा, और इम्पोर्टेंट जो हमारे यूज होंगे 1/20 क्या 5% नहीं होगा, 1/24 क्या 4:1/6% नहीं होगा, और 1/30 क्या 3:1/3% नहीं होगा। सही है, हमेशा प्रॉफिट या लॉस आपको इस परसेंटेज में देगा भी, प्रॉफिट परसेंट हो गया, लॉस परसेंट हो गया, डिस्काउंट दे दिया इतने परसेंट। तो तीन बातें याद रखनी आप अपने दिमाग में बिठा लो, जब भी प्रॉफिट परसेंट हो लॉस परसेंट हो तो हमेशा दिमाग में रखना कि हमेशा किसके ऊपर होगा, सीपी के ऊपर होगा, और डिस्काउंट हमेशा किसके ऊपर दिया जाएगा, एमआरपी के ऊपर दिया जाएगा। कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी, क्योंकि जब कंसेप्ट क्लियर है तो प्रॉब्लम किस चीज़ की होगी। और यही चीज़, हालांकि ये चीज़ मैं परसेंटेज में बता चुका हूँ, इसके ऊपर मैं ज़्यादा बस एक बार वैसे लिखवा दिया कि आपको ध्यान रहे, क्योंकि हमने इनमें यही यूज करना है। एक बार इसको नोट करो, बढ़ते हैं आगे। तो फ्रेंड देखो, बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ, जो कि एक स्टार्टिंग का भी, हाँ इस टॉपिक को हमने बढ़ाना कैसे और कैसे हमने इसके ऊपर काम करना है, यही चीजें मैंने बताई थी। भी कोई फॉर्मूला तो यूज करूंगा ही नहीं मैं, जब पूरा अर्थमेटिक पढ़ा दूं, पूरा एडवांस पढ़ा दूं, कोई फॉर्मूला वगैरह कुछ नहीं होता, लेकिन कंसेप्ट के ऊपर ही सारे ट्रिक बने होते हैं, इसलिए पहले आपको कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी था, इसलिए बता दिया। अब आप ये बताओ, इतना तो आपने समझना है कि कॉस्ट प्राइस बताना है, सीपी बताना है, उसका सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, और आपको प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है। देखो जब भी क्वेश्चन में प्रॉफिट परसेंट होगा, लॉस परसेंट होगा, हमेशा आपको ध्यान रखना है प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट हमेशा किसके ऊपर होता है, आप बोलो सीपी के ऊपर होता है। तो ये बताओ मेरे प्यारे फ्रेंड्स, तो क्या ये सीपी निकालना है हमने, क्या प्रॉफिट परसेंट क्वेश्चन में 16:2/3% नहीं दिया हुआ, और इसकी फ्रैक्शन क्या 1/6 नहीं होती, अरे बोलो, यानी कि आपने 6 रुपए की, ये जो 6 रुपए हैं ये क्या है अपना कॉस्ट प्राइस, क्योंकि प्रॉफिट या लॉस हमेशा किसके ऊपर होता है फ्रेंड, सीपी के ऊपर। 6 रुपए की चीज को आपने इतने परसेंट प्रॉफिट यानी कि 1 रुपए प्रॉफिट पर बेच दिया, तो ये सीपी हुआ और ये एसपी हुआ। सीपी कितना 6, तो एसपी क्या 7 नहीं होगा, बोलो जल्दी से। और 7 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में दे कितने रखी है, 7 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में दे कितने रखी है, 1470। अगर 7 यूनिट की वैल्यू फ्रेंड्स ये है, तो क्या 1 यूनिट की वैल्यू 7 × 14, 7 × 1 = 7, 1 यूनिट की वैल्यू 210 हुई कि नहीं हुई, और 6 यूनिट की वैल्यू बस इंटू में 210, तो 6×6 = 6, 6×6 = 12, तो क्या उस आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस 1260 रुपये नहीं हो जाएगा, बस क्वेश्चन खत्म। सही है कि नहीं है, एक बार इसको नोट करो। क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है, और क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता था कि सेलिंग प्राइस इतना है और कॉस्ट प्राइस इतना है, तो प्रॉफिट या लॉस परसेंट बताओ, प्रॉफिट या लॉस परसेंट बताओ। तो जस्ट आपको क्या करना था कि आपको पता है कि सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, कॉस्ट प्राइस कम है, तो प्रॉफिट ही होगा। तो आप बोलते प्रॉफिट क्या होगा, तो आप ये निकाल लेते 1470 सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस निकाल देते, अरे बोलो सही है कि नहीं है। तो ये बताओ, इसमें से जब ये 1260 में निकाल दूं, ये 0, ये 1 और ये 2, ये 210 रुपये का प्रॉफिट हुआ, बोलो सही है कि नहीं है, 210 रुपये का प्रॉफिट हुआ। और प्रॉफिट या लॉस परसेंट किसके ऊपर कैलकुलेट होता है, प्रॉफिट या लॉस परसेंट किसके ऊपर कैलकुलेट होता है फ्रेंड्स, हमेशा सीपी के ऊपर कैलकुलेट होता है। तो आप बोलते प्रॉफिट परसेंट यानी कि 210 रुपये का प्रॉफिट हुआ किसके ऊपर, 1260 के ऊपर, और गुणा 100, अरे सही है कि नहीं है, काट दो। अब ये बताओ 21 के साथ 21 एकम 21 और 21 गुणा 6 126 होता है।
आ रही है बात समझ में। और 1/6, 1/6 आपको पता है, देखो 1/6, 1/6 की परसेंटेज कितनी होती है, 16:2/3%। तो फ्रेंड्स लकीर के फकीर नहीं बनना, आपने सारी बातें समझनी है। अभी क्वेश्चन में क्या क्या चीजें देखो, छोटी सी बात के ऊपर दो क्वेश्चन एक दिया था हमने, दूसरा भी बना दिया, सही है कि नहीं है, एक बार नोट करो। देखो फ्रेंड सेकंड क्वेश्चन को, सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, फिर से हमें क्या पूछा है, कॉस्ट प्राइस पूछा है, जिसका सेलिंग प्राइस हमें 65,780 रुपए दे रखा है और उसका प्रॉफिट परसेंट क्या दे रखा है, 8:1/3%। तो आप ये बताओ फ्रेंड्स, ये जो प्रॉफिट परसेंट है, प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट किसके ऊपर होता है, सीपी के ऊपर। बस हर बार हर बात में ये बात बोलूंगा अभी, ताकि आपके दिमाग में बात फिट हो जाए। कितना दे रखा है, 8:1/3%। क्या इसकी फ्रैक्शन 1/12 नहीं होती, सही है कि नहीं है। तो आप ये लिख दिया सीपी और ये लिख दिया एसपी, यानी कि 12 रुपए का अपने पास क्या है, ये 12 रुपए उस चीज का सीपी है, 12 रुपए या 100 रुपए, क्योंकि या तो आप भी बोलो 100 रुपए की चीज को इतने परसेंट पर बेच दिया, या फ्रैक्शन में इनटू में 100%, यानी कि परसेंटेज का फ्रैक्शन में बदल के ही तो बढ़ा है ये, या हम ये कह सकते हैं 12 रुपए की चीज को आपने इतना परसेंट यानी कि 1 रुपए प्रॉफिट पर बेच दिया, तो सीपी तो 12 है और ये एसपी क्या 13 नहीं हो जाएगा, सही है कि नहीं है। और ये बताओ फ्रेंड, ये क्या इस 13 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में 65,780 नहीं दे रखी, 13 × 65 और 13 × 6 = 78, तो क्या 1 यूनिट की वैल्यू 5,060 नहीं हो जाएगी, सही है। तो बस 12 यूनिट की वैल्यू गुणा 560, तो 12 × 0 = 0, 12 × 6 = 72 और 12 × 5 = 60, तो बस ये अपने पास क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, उसका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज की क्लास में मेनली मेरा टारगेट क्या था आपको बताना, इंट्रोडक्शन भी जो अपना को, ये जो प्रॉफिट एंड लॉस है भी किस बिहाफ पे हम पूरे के पूरे टॉपिक के ऊपर वर्क करने वाले हैं, आपने देख ही लिया। ये एक दो क्वेश्चन तो डेमो के तौर पे करवा दिया, बाकी कल की क्लास में हम प्रॉपर इसकी क्लास स्टार्ट करेंगे। और फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये बात पहुँचाओ कि हमारा बहुत ही बढ़िया टॉपिक प्रॉफिट और लॉस शुरू हो चुका है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना अगर आपको अच्छी लगती है भी, ताकि हर बंदा DNA ऑफ मैथ के साथ जुड़ पाए। हम कल की क्लास में इसके प्रॉपर क्वेश्चनों के साथ ये टॉपिक शुरू करते हैं। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं कल वाले लेक्चर में, बाय बाय, ऑल द बेस्ट, हंसते रहा करो, मुस्कुराते रहा करो, ओके बाय बाय।